एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ वैसे तो कई तरह की होती हैं। सिंपली जो हम देखते हैं इसमें, हम लोग जो बहुत कॉमनली हम लोग के पास में आती हैं बेसिक फॉर्म में, वो तीन तरह से आती हैं। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो है जो महिलाओं में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस स्टेज में हो जाता है, हार्मोनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाने की वजह से या और कई कारणों की वजह से, तो उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होती है। और अक्सर इस तरह की महिलाओं में देखा गया है कि अगर इन्होंने बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं की तो आगे इनको डायबिटीज़ परमानेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, टाइप 2 डायबिटीज़ टोटली हम लोग की लाइफ स्टाइल से एक रिलेटेड डिजीज़ है, जिसका रीजन ही हमारी लाइफ स्टाइल है और बहुत सारे फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, मेंटल स्ट्रेस और सारी चीज़ें, खान पान, रहन सहन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जिसमें किसी वजह से, एबनॉर्मलिटी की वजह से, हम लोग के शरीर में या तो इंसुलिन नहीं बनता, या इंसुलिन बनता तो है लेकिन उसकी काम करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, या जो बड़े लोगों में जब होती है इस तरह की डिजीज़, जिसमें पैंक्रियाज में कई बार स्टोन होने की वजह से या पैंक्रियाज की कोई और बीमारी होने की वजह से पैंक्रियाज निकाल दिया जाता है, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो टाइप 1 डिजीज़, ये रिक्वेस्ट है जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर ले पब्लिक में कोई सुन रहा है, तो ये एक मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपको डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपको टाइप 1 डिजीज़ है, तो प्लीज़ किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन या किसी भी तरह की दवा आप उस तरह के मरीज को ना दें, क्योंकि टाइप 1 डिजीज़ जो है वो इंसुलिन के अलावा और किसी चीज़ से ट्रीट नहीं की जा सकती। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बहुत सारे पेशेंटों को देखा है जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको टाइप 1 डिजीज़ है और आपको इंसुलिन लगेगा, तो वो कई बार मेरे पास आते हैं और इतनी बुरी कंडीशन में पेशेंट को लेके आते हैं जिसमें कुछ करना बाकी नहीं रहता, सिर्फ इस जिद की वजह से कि हमने इसको इंसुलिन नहीं लगानी। तो मैंने जैसे आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर की बात को माने और डॉक्टर पर विश्वास करें। आप जब डॉक्टर पर विश्वास रखेंगे तो उसको मजबूरी में आपके हिसाब से आपका अच्छा सोचना पड़ेगा। आप जिस चीज़ पे विश्वास रखते हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है। तो ये बहुत ज़रूरी एक सूचना थी कि अगर टाइप 1 डायबिटिक आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो आप इंसुलिन ना छोड़ें ताकि आपकी ज़िंदगी सीधी सीधी अच्छी तरह से चलती रहे, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जो है वो सीधे सीधे डायबिटी इंसुलिन के नहीं बॉडी शरीर में प्रोड्यूस होने की वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बहुत सारे कारणों से होती है, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, दवाइयाँ भी देंगे, लाइफ स्टाइल भी बताएंगे और कई सारी चीज़ें भी बताएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको थायराइड तो नहीं है या आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ या और कई चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में एक तो कॉम्प्लिकेशन फ्री रह सकेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को एटलीस्ट ये विरासत में नहीं देंगे कि भैया हम तुम्हारे लिए बीमारियाँ विरासत में लेके आए हैं, और आप, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह से हम इसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है, तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल जेनेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है और ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा जीन में। तो इसको आप अगर इन सारी बातों को माने, इन सारी बातों को सुने और थोड़ा सा खुद अपने लिए जीने की कोशिश करें, अच्छी तरह से लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बीमारी से लड़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और इस बीमारी के साथ में बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। थैंक यू।